दोस्तों ये है ईस्ट पार्क, और ईस्ट पार्क नई नई प्रोजेक्ट आई है जो 17 तारीख को उसकी भूमि पूजन हुई है। और यहाँ से देख सकते हैं बड़ी सी एरिया होने वाली है, काफ़ी बड़ी एरिया होगी, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से ये सोसाइटी बनाई जा रही है, जिसमें फाउंटेन है, दो दो बड़े बड़े पार्क हैं, किड्स प्ले एरिया है, और यहाँ पे कंपनी की जो ये कॉमर्शियल एरियाज हैं जिसमें मेडिकल वगैरह आपको मॉल्स वगैरह का कॉन्सेप्ट इसमें आ सकता है। इसमें देख सकते हैं ये कंपनी की ही कॉमर्शियल सारी प्लॉटें हैं, और आगे से रेजिडेंशियल बनाया जाएगा, क्योंकि ये गवर्नमेंट का रूल है कि आप प्रॉपरली हाईवे पे आप प्लॉट नहीं बना सकते हैं, हाईवे से अंदर होना चाहिए। तो यहाँ से देखेंगे तो हाईवे से थोड़ा अंदर ही है, आपको 200 मीटर अंदर आपको मिलने वाला है ये प्रोजेक्ट। और इधर कंपनी की अपनी कॉमर्शियल है, वहाँ पे देखेंगे तो कंपनी की ऑफिस भी बनी हुई है, और यहीं पे देखेंगे तो हाईवे जहाँ पे गाड़ियाँ आपको दिखेंगी चल रही हैं, तेजी से गाड़ियाँ चल रही हैं। और यही आपका रोड होने वाला है, जो ये जो मेन रोड होने वाला है ये 30 फीट का रोड होने वाला है, और इसमें मिनिमम जो लिंक रोड मिलेगी वो आपको 23 फीट की मिनिमम रोड आपको मिलने वाली है, 23 फीट की, 30 फीट की मेन रोड, 23 फीट की लिंक रोड आपको मिलने वाली है। तो इसमें आप बुकिंग करवा सकते हैं, बुकिंग के लिए हमारे दिए नंबर पर संपर्क करें। काफ़ी अच्छी है, काफ़ी व्यवस्थित तरीके से गेटेड सोसाइटी बनने वाली है, इसमें इंटीग्रेट होंगे नाला, सड़क, पार्क, सब कुछ आपको मिलेंगे। आप 30 फीट की, 23 फीट की मिनिमम रोड आपको होगी, तो सोसाइटी में एक अलग माहौल होता है, अलग तरीके से व्यवस्थित तरीके से बनाया जाता है, तो ये चीज़ें देखने में काफ़ी खूबसूरत लगती हैं। तो आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए अभी फ़िलहाल के लिए इन्वेस्टमेंट के लिए प्लॉटें हैं, इसमें EMI भी है, इसमें अलग अलग तरीके की EMI है, 6 महीने की, 12 महीने की, 1.5 साल की, तो अलग अलग तरह का EMI है, उसी EMI के अनुसार आपको रेट लगने वाले हैं। तो रेट के लिए हमारे 2 नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एकदम हाईवे पे ये साइट है, तो साइट हाईवे पे है, लेकिन रेजिडेंशियल जो प्लॉटें होंगी ये थोड़े अंदर होंगे, क्योंकि आगे में कंपनी का अपना कॉमर्शियल रहने वाला है, जिसमें काफ़ी चीज़ें विकसित होंगी, डेवलपमेंट होंगी, जिसमें अलग अलग कम्युनिटी सेंटर वगैरह ये सब चीज़ें बनाई जाएगी कंपनी के द्वारा। तो इसमें आप इस टाउनशिप में आप बुकिंग ले सकते हैं, रेजिडेंशियल बुकिंग ले सकते हैं, काफ़ी खूबसूरत ये जगह है। और सामने में देखेंगे तो पेट्रोल पंप भी है, पेट्रोल पंप के जस्ट अपोजिट में साइट आपको दिखने को मिल जाते हैं। तो जल्द करें, हमारे 2 नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग लें। वहाँ पे आप देखेंगे तो देख सकते हैं वहाँ पे पेट्रोल पंप भी है, और पेट्रोल पंप हाईवे के जस्ट अपोजिट में आपको पेट्रोल पंप है, थोड़ी दूर पे ही है, और यहाँ पे आपको एक ढाबा है, और ढाबा के बाद यहाँ तक आपको ये जो है हाईवे आने वाली है जो अप्रूव्ड है, ये यहाँ तक हाईवे इतनी चौड़ी होगी, और यहाँ के बाद फिर आपको टाउनशिप मिलेगा, ये कंपनी की अपनी ऑफिस हो जाएगी, और यहाँ से आपको 30 फीट का रोड और फिर 23 फीट का लिंक रोड आपको मिलेगा। तो ये बड़ी सी साइट है, जल्द से जल्द बुकिंग कराएं, बुकिंग स्टार्ट है, तो जल्द से बुकिंग लें। अगर शुरुआत में बुकिंग करते हैं तो आपको सही जगह पे और सेम रेट में आपको प्लॉटें मिलती हैं, क्योंकि रेट आगे पीछे जहाँ भी लेंगे आपको सेम ही मिलने वाले हैं। तो अगर पहले आप बुकिंग कराएंगे तो आपको फ्रंट पे ज़मीनें मिल जाएंगी, जो सोसाइटी बनती है तो काफ़ी खूबसूरत दिखते हैं, और अभी डेवलपमेंट नहीं हुई है, जब डेवलपमेंट होते हैं तो काफ़ी तेज़ी से बुकिंग होते हैं। तो जल्द करें, हमारे 2 नंबर पर संपर्क करें और अपनी बुकिंग लें। ये NH 139 है जो एम्स से होकर सीधे औरंगाबाद जाती है, तो औरंगाबाद वालों के लिए भी काफ़ी खूबसूरत ये प्रोजेक्ट होने वाली है, बिहटा वालों के लिए भी है, और जो पटना से बिलोंग करते हैं उनके लिए इन्वेस्टमेंट के लिए काफ़ी अच्छी ज़मीन है। यहाँ अभी रेडी टू मूव है, अभी बनाकर अभी भी रहने वाले लोग रह सकते हैं, लेकिन कंपनी आपसे 3 सालों का समय लेती है डेवलपमेंट के लिए, जिसमें रोड, सड़क, पानी, नाला, पार्क, पक्की सड़कें होंगी, सारा कुछ बना कर देगी। तो जल्द से जल्द बुकिंग करें। तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों, अगर हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को जरूर दबा लें, ताकि हमारे वीडियोज के नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलते रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।